नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। विस्थापित संयुक्त मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें, BSL प्रबंधन द्वारा वादा करने के बावजूद भी विस्थापितों को उनका हक व अधिकार नहीं मिला, जिस कारण विवश होकर विस्थापितों ने ये कदम उठाया है। विस्थापित संयुक्त मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। HBN न्यूज के माध्यम से आप सबको पहले भी दिखाया गया कि कैसे विस्थापितों के अनुसार बोकारो BSL प्रबंधन और प्रशासन ने वादा खिलाफी की है। 24 सितंबर को BSL प्रबंधक के विरोध में बोकारो के ADM बिल्डिंग में 3 दिवसीय कुकुरकुंडोली आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार व फूलचंद महतो के साथ मोर्चा के सभी सदस्य और विस्थापित परिवार शामिल थे। यह आंदोलन मोर्चा ने BSL प्रबंधक द्वारा वादा करने के बावजूद भी विस्थापितों को उनका हक व अधिकार नहीं दिया, जिस कारण विवश होकर विस्थापित परिवार और विस्थापित मोर्चा ने यह कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं सरवण कुमार, HBN न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले भी जानकारी मिल चुकी है कि विस्थापित संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो संघ है, जो मोर्चा है, उसके माध्यम से BSL जो प्रबंधन है उनके खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ 2-3 दिन पहले ये घोषणा किया गया था, निर्णय लिया गया था अपने अधिकार को पाने के लिए कि वो विस्थापितों को उनका हक, उनका अधिकार, उनका रोजगार है उनको देने का काम करें। ऐसा घोषणा उन्होंने 3 दिन पहले किया था कि 3 दिवसीय का कुकुरकुंडोली आंदोलन करने का उन्होंने निर्णय लिया गया था, और उसी निर्णय को एक रंग देने के लिए, उनको मंच देने के लिए आज ADM बिल्डिंग के सामने में ये विस्थापित संयुक्त मोर्चा पहुंच चुकी है और अपनी मांग को प्रशासन के सामने में, जिला प्रबंधन के सामने में और BSL प्रबंधन के सामने में रखने का काम कर रही है। तो बाकी की सारी जानकारी हम लोग लेंगे और यहाँ के जो मुख्य नेता हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या उनकी मांग है, उनकी क्या समस्या है और जो आंदोलन उन्होंने किया हुआ है वो किस लिए किया हुआ है। तो आइए, जो विस्थापित संयुक्त मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो नेता जी हैं फूलचंद महतो जी, उनसे लोग जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है सर, और ये जो आंदोलन उन्होंने किया है क्यों किया है सर, बताइए। 60 वर्ष हो गया कारखाना निर्माण के होने को, लेकिन नौकरी मुआवजा पुनर्वास नहीं मिला। नौकरी में कैजुअल S1 S2 S3 3 पद है, लेकिन यहाँ के स्थानीय मैनेजमेंट ने इन पदों पर बहाली नहीं निकाल रहा है। 2 पद S1 और S2 नॉन टेक्निकल है, एक ही साजिश के तहत नॉन टेक्निकल पद को इन लोग टेक्निकल बना दिया है। इसी के विरोध में आज गुहार और लड़ाई है, आंदोलन है। हमारा मांग है S1 की बहाली, जिस परिवार से आज तक नौकरी नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। S2 पद में बहाली, जो विस्थापित मैट्रिक पास हो चुके हैं, 18 से 40 साल जिसका उम्र है, उसको DPLR के माध्यम से S2 में बहाली करो। S3 में बहाली, जो लड़का हमारा ITI किया है, डिप्लोमा किया है, MBA किया है, उसके लिए S3 की बहाली है, लेकिन इसके विपरीत ही बहाली निकालता है। बताइए, कारखाना में मैन पावर 9000 है, 1600 अफसर हैं, कारखाना कौन चला रहा है? तो सर, ये आंदोलन आप लोग का कब तक चलने वाला है सर? ये आंदोलन 3 दिन तक चलेगा जी। हाँ, और 3 दिन के बाद भी सर अगर BSL प्रबंधन किसी तरह का एक्शन नहीं लेती तो आप लोग क्या करने वाले सर? मारा परी, तुपकाड़ी मिलकर, मनसा सिंह गेट, भवानीपुर तेलीडी साइड का जुआ, CZ गेट और आपका इधर भर्रा और शिवंडी मिलकर मेन गेट को जाम करेंगे, 7 गेट इसको जाम कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है फूलचंद महतो जी का कि उन्होंने अपना विचार रखा, अपने बात और अपनी मांग को रखा। हमारी प्रयास रहेगी कि हम इस आवाज को उस प्रबंधन तक पहुंचाने काम करेंगे जिनसे हर विस्थापित की समस्या, हर विस्थापित का दर्द दूर हो सके। देखिए, अभी हमारे साथ में मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार जी हमारे साथ उपस्थित हैं और ये अपनी मांग को रखेंगे। हम लोग इनसे जानेंगे कि आज का जो ये आंदोलन, कुकुरकुंडली आंदोलन जो किया गया है, ये क्यों किया गया है, इनका क्या मंसूबा है और ये क्या चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, हमें आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ये विस्थापित परिवार क्यों से इस लड़ाई को कब से लड़ रहे हैं सर? मैं विस्थापित समस्या को लेकर 45 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। जी, मेरा लड़ाई का स्टार्टिंग है जिस समय 1979 में सिलेक्ट डैम का मिट्टी काट के डाई चोरीकरण किया जा रहा था। उस समय मैं मिडिल क्लास में पढ़ रहा था और उसी पढ़ाई के क्रम में मिडिल स्कूल से आते जाते में हमने देखा
तो हमने स्टडी किया, सोचा मन में कि ये विस्थापित का जमीन में ये नया कुछ ड्राइंग हो रहा है। हमने जाके पूछा, उम्र हो रहा था 14 साल, हमने पूछा भाई यार क्या हो रहा, तो बोला ये सेलेक डैम बनेगा। बोले सेलेक डैम एगो तो खुंदोरी में डैम है ये है, तो अभी कौन डैम बनेगा। बोला नहीं नहीं सेलेक सेलेक कचरा उत्सर्जित पदार्थ प्लांट का यहाँ पर डंपिंग होगा। तो हमने कहा कि आप विस्थापित का जमीन में काम कर रहे हैं तो विस्थापित के साथ NOC आपको मिला, तो बोले नहीं BSL के अनुमति से हम लोग कर रहे हैं। तब मैंने वहीं से स्टार्टिंग किया, आंदोलन का बिगुल मैंने बजाया और हमारे बातों को विस्थापितों ने लोकने का काम किया कि ये जो लड़का बोल रहा है जेन्युइन बात बोल रहा है कि हम लोगों को अब यहाँ से भी पलायन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम 45 साल से विस्थापित को नेतृत्व दे रहे हैं, विस्थापित समस्या को आगाज कर रहे हैं और BSL प्रबंधन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो उनका जेन्युइन समस्या है। जमीन ले लिया, जमीन के बदले जितना नौकरी इसको देना था इसने नौकरी नहीं दिया, कुछ गिने चुने लोगों को नौकरी दिया और आज का नौकरी ये क्या कर रहा है, ये नया नया डायरेक्टिव के तहत ये विस्थापित को बरगला रहा है और अन्य लोगों को ट्रेड में बोल के नौकरी दे रहा है। आज का समस्या क्यों खड़ा है, ये लॉकडाउन हम लोगों ने 3 दिवसीय क्यों किया, इसलिए किया कि BSL ने एक बहाली का ओपन एडवर्टाइजमेंट किया है जो अखबार में देखा गया है और पढ़ा गया है, उसको प्रकाशित किया गया है और प्रकाशित करने के बाद ये लॉकडाउन का हवाला दे रहा है, कोरोना महामारी का हवाला दे रहा है। हमको कम से कम 10 महीना तक ये कोरोना काल का हवाला देकर हमारा आंदोलन को ये चौपट करने के लिए ये साजिश रचा था। जय मीडिया। जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि विस्तार जो संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या मांग था, ये सारी बातों को बहुत ही स्पष्टता और निरंतर साथ में रखे हुए हैं और इस आंदोलन से हर जुड़ी खबर आपको HBN न्यूज पर हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और हर खबर आपको देते रहेंगे कि इस परिवार में इस आंदोलन में क्या क्या घटना घट रही है, कौन सा जो प्रबंधन है क्या बात कर रही है, क्या बात निकल कर सामने आ रही है, वो हर बात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं श्रवण कुमार, धन्यवाद, थैंक यू। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।